The extent of her wealth-induced blindness went so far as to question me in a daze of affluence. Who are you? You, my father, I do not know you. Because of my fame and riches, many have petitioned me for the fatherhood. You may be one of them. Hi, मेरे नाम में क्या रखा है यार? बात यह है कि जो आवाज तुमने अभी सुनी वो पता नहीं किसकी है, पर अल्फाज दादा साहेब फाल्के के हैं। We all know him as the father of Indian cinema. पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर 70 साल के ढूंढी राज गोविंद फाल्के वो किस्सा सुना रहे हैं जब सिनेमा, जिसको वो अपनी बेटी कहते हैं, उसने ही उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उनके शब्दों में एक दर्द है, अविश्वास है और होना भी चाहिए। आफ्टर ऑल एज अ फिल्म इंडस्ट्री हमारी सारी अचीवमेंट्स की नींव उन्होंने ही रखी है, चाहे वो दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी फिल्म इंडस्ट्री होने का दर्जा हो और द फैक्ट दैट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म्स इन द वर्ल्ड। हर साल हम लोग 1500 से 2000 फिल्म्स बनाते हैं इन ओवर 20 लैंग्वेजेस। देयर इज हिंदी सिनेमा, तमिल सिनेमा, असमी सिनेमा, गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा, द लिस्ट इज लॉन्ग। एंड ऑल ऑफ दैट ओनली केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज दिस मैन एट द एज ऑफ 43 डिसाइडेड टू मेक इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म, राजा हरिश्चंद्र। पर जैसे उनकी बेटी सिनेमा ने कहा, मैनी हैव पेटिशन्ड मी फॉर द फादरहुड, यू मे बी वन ऑफ देम, वैसे ही काफी लोग फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का टाइटल दादा साहेब फाल्के की जगह एक दूसरे दादा साहेब को देते हैं, दादा साहेब तोरने, द फादर हु नेवर गॉट हिज ड्यू। पर है कौन दादा साहेब तोरने? वेल, टू बिगिन विद, उनका पूरा नाम है रामचंद्र गोपाल तोरने एंड ही वॉज द मैन हु स्टार्टेड इंडियाज फर्स्ट एवर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कॉल्ड फेमस पिक्चर्स। As a filmmaker, he made around 17 to 22 films and one of those films was Shree, Pundalik, the film that some people believe should be given the title of India's first feature film. In fact, there was even a petition for this online. Par aisa kyun hai? Ye samajhne ke liye we have to go back in time to the place where it all started, to the year when it all started. तो दिन था शनिवार, तारीख थी 15 अप्रैल। दादा साहेब फाल्के अपनी फैमिली के साथ अमेजिंग एनिमल्स नाम की फिल्म देखने के लिए गए थे, पर उस दिन ईस्टर था तो अमेजिंग एनिमल्स की जगह एक दूसरी फिल्म स्क्रीन हो रही थी और वो फिल्म थी द लाइफ ऑफ क्राइस्ट बाय अलीस की ब्लाशे, अ फ्रेंच डायरेक्टर। एंड इट इज ऑलमोस्ट लाइक दादा साहेब फाल्के हैड एन एपिफनी व्हाइल वॉचिंग द फिल्म। व्हाइल द लाइफ ऑफ क्राइस्ट वाज रोलिंग फास्ट बिफोर माय फिजिकल आइज, आई वाज मेंटली विजुलाइजिंग द गॉड्स Shri Krishna, Shri Ramachandra, their Gokul and their Ayodhya. I was gripped by a strange spell. I bought another ticket and saw the film again. This time I felt my imagination taking shape on the screen. Could this really happen? Could we, the sons of India, ever be able to see the Indian images on the screen? I'm sorry. बहुत घटिया इंप्रेशन था दादा साहेब फाल्के का, but to be fair, कभी मैंने उनको सुना नहीं है। Meanwhile, 21-22 साल के दादा साहेब तोरने मुंबई में ही कॉटन ग्रीन इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम कर रहे थे और वहीं वो श्रीपद थिएटर कंपनी के टच में आए और उनके स्टेज प्लेस देख के वो इतने इंस्पायर हुए कि अपनी खुद की मूवी बनाने का डिसाइड किया। इन द फॉलोइंग ईयर्स दोनों दादा साहेब फिल्म मेकिंग रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लग गए, जहां दादा साहेब तोरने ने डिसाइड किया टू मेक अ डिवोशनल फिल्म अबाउट अ हिंदू सेंट बेस्ड ऑन अ मराठी प्ले कॉल्ड भक्त पुंडलिक बाय रामराव कीर्तिकार। वहीं दादा साहेब फाल्के ने डिसाइड किया टू एक्सप्लोर द मिथोस ऑफ राजा हरिश्चंद्र, अ मैन हु वाज द एपिटोम ऑफ ट्रुथ एंड वर्च्यू। एंड फाइनली इट वाज टाइम फॉर द वर्ल्ड टू सी देयर क्रिएशंस। दोनों ही फिल्में मुंबई के कॉरोनेशन सिनेमाटोग्राफ एंड वैरायटी हॉल में रिलीज हुई इन द मंथ ऑफ मे। जहां राजा हरिश्चंद्र वाज अ कमर्शियल सक्सेस, वहीं श्री पुंडलिक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, सिर्फ ये पता है कि वो दो हफ्ते तक थिएटर में थी। नाउ लुकिंग एट द इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग सीम्स फाइन। दादा साहेब फाल्के की फिल्म पहले रिलीज हुई, इसलिए ही इज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, अंटिल यू रियलाइज दैट श्री पुंडलिक राजा हरिश्चंद्र से पूरे एक साल पहले, ऑलमोस्ट एक साल पहले रिलीज हुई। तो अब सवाल ये है कि जब श्री पुंडलिक पहले रिलीज हुई तो वो इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म क्यों नहीं, और दादा साहेब तोरने फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों नहीं? एंड द थिंग इज, देयर इज नो वन आंसर। अकॉर्डिंग टू विजय बालकृष्णन, रिसर्चर एंड फिल्म हिस्टोरियन, श्री पुंडलिक रिलीज हुई थी एक हॉलीवुड फिल्म के साथ, अ डेड मैंस चाइल्ड, और उसी के साथ सेंसर बोर्ड के पास भी गई थी और कभी अपने नाम से सेंसर नहीं हुई। वेयर एज राजा हरिश्चंद्र अपने नाम से ही सेंसर बोर्ड के पास गई थी और इसी वजह से श्री पुंडलिक को पहली फीचर फिल्म नहीं माना जाता। कुछ लोग मानते हैं कि श्री पुंडलिक ट्रूली इंडियन फिल्म नहीं, because it was shot by a British man who went by the name of Johnson, और वो इंडिया की जगह UK में प्रोसेस हुई थी।
but honestly, I find that lazy. For me, what makes a difference is the duration of both films. Shree Pundalik was about 22 minutes long, or film standards ke hisab se, generally, only a film that is 40 minutes or longer is classified as a feature film. Agar duration mein usse kam hai, to wo short film boli jayegi. And call it luck, Raja Harishchandra ki exact duration 40 minutes hai. दूसरी चीज जो श्री पुंडलिक को डिस्क्वालीफाई करती है वो ये कि उसका कोई स्क्रीन प्ले नहीं था और वो इनफैक्ट बस एक फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग थी मराठी प्ले की जिसे श्रीपद थिएटर कंपनी ने परफॉर्म किया था. ऑल्दो ये पॉइंट भी डिबेटेबल है एंड सम पीपल बिलीव दैट देयर वाज इनफैक्ट अ स्क्रीन प्ले, पर एक्सेप्ट इस एडवर्टीजमेंट के जो May 18th, 1912 को द टाइम्स ऑफ इंडिया के एंगेजमेंट कॉलम में आई थी कि श्री पुंडलिक स्क्रीन हो रही है, देयर इज एब्सोल्युटली नो एविडेंस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस. क्योंकि फिल्म यूके में प्रोसेस हुई थी तो फिल्म के नेगेटिव्स कभी दादा साहब तोड़ने को मिले ही नहीं, और जो फिल्म के पॉजिटिव्स उनके पास थे वो 1961 के पंचायत फ्लड में खो गए. 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और ये डिबेट अभी तक चल रही है. इनफैक्ट 2013 में दादा साहब तोरने के बेटे विजय और अनिल तोरने ने एक PIL भी फाइल किया था जिसमें उन्होंने श्री पुंडलिक को इंडिया की फर्स्ट फीचर फिल्म का स्टेटस देने की बात रखी, यूके से फिल्म के नेगेटिव्स मंगाने की बात रखी और दादा साहब तोरने को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का दर्जा देने की बात रखी. पर उस PIL का क्या हुआ पता नहीं, और जब तक कोई सबूत नहीं तब तक कुछ होना भी मुश्किल है. दादा साहब तोरने का एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा पहचाना जाना भी मुश्किल है और शायद उनको याद रखना भी मुश्किल है.